कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मजे से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो अभी देख रहे हो आप, सुबह सुबह का टाइम है और आज है गोवर्धन पूजा। सो हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल अवर यूट्यूब फैमिली। यहाँ से अभी मैं हूँ नए घर में ऊपर। आज हमारी पूजा वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, तो जैसे हम पात्र वगैरह डालते हैं तो वो नहीं डालते बोलते। मैं तो डाल रही थी सुबह, लेकिन मुझे बताया कि आज सूर्य ग्रहण है तो आज नहीं करते ये पूजा। चलिए यहाँ पे आपको खाना हमारा बन चुका है। खाना मैं दिखाऊंगी क्या बना है। बहुत मानते हैं हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा भी, और बाकी जो दिवाली होती है उसके आगे आने वाला दिन भैया दूज भी। यहाँ पे देखो, नए घर में हूँ अभी, तो यहाँ पे आधी चादर डल चुकी है, आधी अटिक डल चुकी है और आधी नहीं डली है। स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी। हाँ। अभी कहाँ डली है? ये जो डली है ये नहीं बनी है, ये डली है। स्ट्रक्चर गला है अभी, उतारने वाला है, चादर पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे देखो बाकी जो इधर वाली सेल्फ थी ना यहाँ पे किचन में, वो सेल्फ पे डाल दी है और यहाँ पे देखो वो निकाल दिया। सिंक वाला है, डबल सिंक लगेगी यहाँ पे, और बस ये भी 2-4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो काम बचा है। और यहाँ पे भी हमारे डलेगी वही टीन। नीचे रंगोली देखो, रंगोली अभी भी ख़राब नहीं हुई, सुबह काफ़ी देर लगी रही इस रंगोली को बनाने में। यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग कर दी दिवाली की, दिखाओ ज़रा, क्लोजिंग हो गई क्योंकि अभी काम होगा ऊपर तो फिर कोई क्लोज करने वाला नहीं होगा, इसलिए इन्होंने क्लोजिंग कर दी। और वहाँ पे मैंने ना जो कपड़े लाए थे वो मैंने बाहर डाल दिए सारे सुखाने, और दादी वहाँ पे बैठी है, सुबह और सिवा चले गए हैं वहाँ पे खाना खाने। जैकी यहाँ पे बैठा हुआ है। जैकी जी, जैकी जी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और पहले सोचा दादी के बालों को कंघी कर लेती हूँ क्योंकि दादी को तेल लगाना बहुत पसंद है, तो कंघी लगा देती हूँ बालों में और कंघी कर लेती हूँ। तुसे तो फौजी बनी गए। नहीं, आपको नहीं मिलेगा। शिवा इधर आओ, शिवा को भी ले आओ। आठ जैसी नहीं लग रही है, एक ये होती है पटाखे वाली। अच्छा अच्छा, रात को यही की थी, चल चला मुझे पता। चलो रुक जा, एक मिनट रुक जा, आ जा मामा, आ जा मामा की गोदी में, आ जा, आ जा मेरी गोदी में। पटाखे ये नहीं, इसमें नाचते हैं देखो, इस पे नहीं। अरे इस पे नाचते हैं, तुझे बड़ा पता। ओए गले से नहीं पकड़ते, शिवा नीचे रखो, नीचे रखो हाथ। आएगी मिठाई, वाह, खुश हो गया शिवा। अब नहीं, अब पापा को तैयार होने दो, प्लीज। फुलझड़ी आप कर लो ना, ठीक है दादाजी, है ना। बाय बाय। लो लो पानी दे बोतलू। तो पति देव तो चले गए क्योंकि उनको ज़रूरी था जाना, तो वो चले गए। बस उसके बाद ये शाम का टाइम है और यहाँ पर एक और लैंटर्न बच गया था, तो आज बड़ी मुश्किल से शिवा को बाहर लाया। एक्चुअली वही बोल रहा था कि लैंटर्न चाहिए, लैंटर्न चाहिए मुझे, लैंटर्न। जब छोड़ने की बारी आई तो फिर वो भाग गया अंदर। अभी बड़ी मुश्किल से उसको लाया था, मम्मी जी की गोदी में बैठा है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो बस यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, जलाना कंदील शिवा के लिए जला रहे हैं कंदील, है ना। लैंटर्न सीधे रखा, अजय नहीं, अजय फूलने दो, आज पूरा इन्हें आप फूलना पूरा। तो पता क्या हुआ, यहाँ पे दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो वो ना कपूर नीचे गिर गया, पता नहीं वो फंसा नहीं था ढंग से, क्या हुआ तो वो नीचे गिर गया। फिर पिताजी नीचे गए, फिर उन्होंने फिर से उसको मतलब बुझाया, फिर से थोड़ा सा बचा था, मैंने कहा फिर से एक बार ट्रायल करते हैं कि ये जलता है जाता है या नहीं जाता है। तो उसको फिर से जल गया देखो ये, और इसके अंदर अब हम दूसरी तरफ आ गए। अभी मैं छोड़ना, अभी फूला ये नहीं फूला। हाँ चलो छोड़ दो, पूरा नहीं फूला, ऊपर दे, ऊपर दे,
उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है जा रहा है वो देख चला गया शिवा देखो 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 चला गया बाय उड़ गया उड़ गया उड़ गया ये नहीं गया उतना यहाँ ये फंस गया तो उसके बाद ना यहाँ पर ये एक पेड़ से टकरा गया फिर काफी लग रहा था कि उड़ जाएगा लेकिन फिर ये इस पेड़ पे ही नाचता रहा पेड़ से दूसरी तरफ चला गया बाकी फिर ये नहीं उड़ पाया उतना। उसके बाद आप देख रहे हो ये है अगले दिन का टाइम आज भैया दूज है तो भैया दूज के दिन का ब्लॉग है ये। तो अभी हम जा रहे थे मायके जाना है मुझे वहाँ के अलग से आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता फिर ये ब्लॉग। तो अभी बस सुबी शिवा को टीका लगा रही है अभी और शिवा देखो कितने आराम से बैठा हुआ है वो वेट कर रहा है वो पहले ही मिठाई की तरफ ध्यान था उसका कि मैं पहले खा लेता हूँ फिर बाद में उसको बताया कि नहीं सुबी दीदी खिलाएगी बाद में और वो उसकी पूजा कर रही है। और मैंने ये जल्दी जल्दी में ब्लॉग शूट कर रही थी क्योंकि मुझे बस में जाना था मैंने कहा और साथ में सुबी को भी लेके जाऊंगी शिवा को तो नहीं लेके जाऊंगी वो आगे वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ शेयर होगा उस ब्लॉग में ठीक है। तो बस यहाँ पे सुबी तिलक कर रही है उसके बाद फिर मैंने बोला बस ज़्यादा तो कुछ नहीं लाई थी बस ऐसे ही और रुमाल एक लिया था बाकी उसके ऊपर 100 रुपीज़ रख दिए थे और टीका ही तो करना है बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कुछ गिफ्ट देना है या कुछ है। तो उसको भी बस वैसे ही सुबी को भी 100 रुपीज़ पकड़ा दिया था शिवा से मैंने कहा गिफ्ट बाद में देख लेंगे मैंने कहा मैंने इनको बोला था मैंने कहा जो गन ले लिया आप दोनों को वही गिफ्ट है आप दोनों का भैया दूज के लिए। सो बस आप सब ने किस तरह से मनाया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे ब्लॉग लेट हो रहे हैं आप सभी की ये शिकायत रहती है कि ब्लॉग लेट हो रहे हैं तो मैं इनको एडिट नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज़ मैं मतलब बता नहीं सकती कितना बिजी थी इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी एडिट भी ब्लॉग। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ आई होप आपने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक।